नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रफुल्ल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की जिसने क्रिकेट फ्रेटर्निटी को हिला के रख दिया है। जी हां, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की कुछ ऐसी बातें गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसके बाद कई सारी बातें सामने आई हैं क्रिकेट के मौजूदा ऑपरेशंस को लेकर, विराट कोहली रोहित शर्मा के मतभेद को लेकर, साथ ही साथ विराट कोहली और सौरभ गांगुली के बीच कैप्टेंसी को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर भी बातें रखी गई हैं चेतन शर्मा द्वारा। आइए नजर डालते हैं इन सभी बातों पर, देखते हैं कि क्या कुछ बातें चेतन शर्मा ने एक हिडन कैमरे में कही है। लगातार दूसरी बार चीफ सेलेक्टर बने चेतन शर्मा स्टिंग ऑपरेशन में फंस चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट में मची है खलबली। चेतन शर्मा की बातें हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। स्टिंग ऑपरेशन में सिलेक्शन, विराट और सौरभ विवाद, विराट और रोहित के बीच मतभेदों की बातचीत हुई है। क्रिकेटर्स की फिटनेस से जुड़े इंजेक्शन पर भी सनसनीखेज दावे किए गए हैं। चेतन शर्मा ने बताया है कि भाई दिग्गज क्रिकेटर्स के फिट ना होने पर भी एनसीए उन्हें दे देती है ग्रीन सिग्नल। हाल ही में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी बड़ा खुलासा किया है चेतन शर्मा ने। उन्होंने बताया कि बुमराह को 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्ती टीम में शामिल किया गया था। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच खेलते तो वह कम से कम एक साल के लिए बाहर हो सकते थे। वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने बताया कि रोहित आधे आधे घंटे तक उनसे फोन पर बात करते हैं। तो वहीं T20 फॉर्मेट के कप्तान हार्दिक पांड्या उनके घर आते जाते रहते हैं। पिछले साल विराट कोहली के कैप्टेंसी छोड़ने पर हुए विवाद पर भी चेतन शर्मा ने खुलकर बात रखी। उन्होंने बताया कि कोहली को लगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की वजह से उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेक्शन कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 9 लोग शामिल थे। गांगुली ने कोहली से कहा था कि कप्तानी छोड़ने के बारे में एक बार सोच लो। मुझे लगता है कि कोहली ने इसे नहीं सुना। जिसके ठीक बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात रखी थी कि मात्र 1.5 घंटा पहले ही उनके कप्तानी छोड़ने की बात सामने आई थी। इस बारे में चेतन शर्मा का कहना था कि विराट सौरभ गांगुली पर पलटवार कर रहे हैं। यही नहीं, कोहली और रोहित के बीच मतभेदों पर भी चेतन शर्मा ने किया खुलासा। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। फिलहाल इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह जल्द ही चेतन शर्मा के इस स्टिंग ऑपरेशन पर कार्रवाई करेंगे और चेतन शर्मा के चीफ सेलेक्टर पद पे रहने का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हाल फिलहाल दोस्तों आपके अकॉर्डिंगली इस स्टिंग ऑपरेशन पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अपनी राय दें कि क्या विराट कोहली और सौरभ गांगुली के बीच हुए विवाद में बीसीसीआई की गलती थी या नहीं। इस वीडियो पर लगाते हैं हम लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। अगर आपको है क्रिकेट के भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका माई 11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट। और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए माई 11 ग्रू ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।